सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस दफ्तर दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं। नामांकन फॉर्म लेने के लिए दिग्विजय सिंह कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। कल नामांकन करूंगा, ऐसा दिग्विजय सिंह ने कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल नामांकन भरने जाऊंगा। दिग्विजय सिंह का नाम सबसे आगे आ रहा है। कल नामांकन का आखिरी दिन है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने नामांकन भरने के संकेत भी दिए थे, जिसके बाद इस खबर पर हलचल और भी तेज हो गई थी। और आज ये साफ हो गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह नामांकन भरेंगे शुक्रवार को। कल नामांकन भरने कांग्रेस दफ्तर जाएंगे। उन्होंने कहा, कल नामांकन करूंगा, कल नामांकन का आखिरी दिन है। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। अध्यक्ष चुनाव को लेकर कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आए थे। दिग्विजय सिंह का नाम भी इसमें शामिल था। वहीं दिग्विजय सिंह ने संकेत भी दिए थे कि कहीं ना कहीं वो भी नामांकन भर सकते हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि दिग्विजय सिंह भी नामांकन भर सकते हैं। देखिए, अब भर सकते नहीं है बल्कि भरने जा रहे हैं, पहुंच भी गए हैं और थोड़ी देर में नामांकन जब ले लेंगे तो जाहिर है कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक कैंडिडेट होंगे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन वो ऐसे दौर में नामांकन भर रहे हैं जब बहुत ज्यादा लोगों के नामों की चर्चा नहीं है। शशि थरूर ने भी हालांकि फॉर्म लिया है, वो भी दाखिल कर सकते हैं, पर पवन बंसल के नाम की चर्चा भी सामने आई थी। लेकिन दिग्विजय सिंह जब पहुंचे हैं तो बहुत ही, क्योंकि उसी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं वो, जहां राहुल गांधी भी मौजूद है, तो हमें लगता है कांग्रेस ने ये मन भी बना लिया है। और हो सकता है जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जिस तरह बातें सामने आ रही है कि आगामी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से चेहरा होगा वो दिग्विजय सिंह का ही होगा। कल अंतिम तारीख है, उसके बाद नामांकन तय हो जाएंगे कि आखिर कौन कौन मैदान में है। पर अब तस्वीरें साफ होती दिखाई दे रही है, यानी मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी बात कही जाएगी कि अगला जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, संभावना यही है कि दिग्विजय सिंह के रूप में मध्य प्रदेश के कोटे से जा सकता है। कई तरह की चर्चाएं हैं, यहां से मध्य प्रदेश से भी करीब 10 से ज्यादा विधायक वहां पहुंच रहे हैं, वो प्रस्तावक के रूप में वहां नजर आएंगे और कौन प्रस्तावक होंगे वो तमाम तरह की चीजें, तो हमें लगता है ये ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी कहा जाएगा और मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए दिग्विजय सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कम से कम जो विपक्ष है या सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उनके लिए जरूर एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई देंगे। पर इंतजार करना होगा जब तक ये तय नहीं हो जाता, लेकिन फॉर्म लेने पहुंचे और अपना नामिनेशन वो दाखिल करने जा रहे हैं। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब तस्वीर साफ हो गई है। मध्य प्रदेश के लिए भी ये बड़ी बात होगी। कल नामांकन का आखिरी दिन है और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह कल नामांकन फॉर्म भरने वाले हैं। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। तो ये थे दिग्विजय सिंह, जो कहते हुए सुनाई दिए कि आज वो नामांकन फॉर्म लेने आए हैं और कल नामांकन भरने वाले हैं। नामांकन कल करूंगा, ऐसा दिग्विजय सिंह ने कहा है। कल आखिरी दिन है, आपको बता दें, पहले भी उन्होंने संकेत दिए थे और अब तस्वीरें साफ हो गई हैं।